अजीम निजात दहिंदा यीशु मसीह के कादरनामे आपकी सलामती हो। आज एक फिर वही दर्दनाक और वही दुख भरी और नाइंसाफी में मबनी बात आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ये असलम साहब हैं जिनका ताल्लुक लाहौर से है लेकिन कराची में रहते हैं। इनके परदादा को 1915 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जगह जो है एक अलॉट करके दी और उसके वो जगह जो है अब मौजूदा जो है मरल पार, रतगढ़, सुनतपुरा, गंजेवाला पेंट, महमूद बूटी, लाहौर कैंट, मरीद के और गोल पेंट के अंदर ये जगह जो है, ये देखें, ये सारी जगह जो है इनकी जो है बाकायदा जो है निशानदही हुई हुई है और सब जगह इनकी जो है निशानदही हुई हुई है। लेकिन यहाँ पे जो मरल पार है उधर इन्होंने, इनके दादा ने जो है कुछ मज़ारों को जगह दी थी कि आप ये कर लें और वो किराए पर, अब उन्होंने क्या वो भी काबज़ हो गए हैं और जगह पे भी काबज़ हो गया। ये जहाँ जहाँ जा रहे हैं पैसे भी खर्च कर रहे हैं बेचारा और जाके अदारों के अंदर जा रहे हैं कि जी हमारे नाम पे जो है इसको जो है मुंतकली की जाए और जो जिन लोगों ने कब्जा किया है उसको छुड़ाया जाए। लेकिन अभी तक ये बेचारा एक अरसे दराज से कोशिशों में लगा हुआ है लेकिन जबकि रिकॉर्ड भी मौजूद है, सब कुछ मौजूद है लेकिन उधर काबजीन ऐसे हैं कि वो जो है इसको डराते हैं, इसको धमकाते हैं और इनको जान से मार देने की धमकी देते हैं और अदारे और पुलिस भी कुछ नहीं कर रहे। तैयारकार और पटवारी जो है वो भी मिले हुए उन पार्टियों के साथ और उनको सपोर्ट कर रहे हैं और वो सपोर्ट करने की वजह से ये आज बंदा दर बदर है। तो कहने का मतलब है कोई ऐसा नहीं है। वज़ीर-ए-आला पंजाब से भी अपील करते हैं कि भाई आप देखिए आपके मुख्तियारकार जो है वो जो है ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। इन्होंने दरख्वास्तें हर जगह दी हुई है, ऐसा नहीं है कि नहीं दी हुई है, दरख्वास्तें हर जगह इन्होंने दी हुई है, रिसीविंग हुई हुई है दादे के नाम के बावजूद हर जगह मतलब कि दरख्वास्तें दी हुई हैं, इनके दादा के दौर से भी दे रहे हैं और अब ये भी दे रहे हैं लेकिन उसके बावजूद कोई भी सुनवाई नहीं है। तो आला हुकाम से लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से भी अपील करते हैं कि इस चीज़ को देखा जाए, ये रेवेन्यू की ज़मीन है और रेवेन्यू की ज़मीन के ऊपर लोग काबिज हैं, इनको अभी तक नहीं मिला। और अगर हम अभी अगर इंग्लैंड के गवर्नमेंट से अप्रोच करते हैं थ्रू एम्बेसीज तो फिर कहा जाएगा कि पाकिस्तान की बदनामी कर रहे हैं, जबकि ये आदमी दर बदर है और इनकी जो ज़मीन है इतनी बड़ी ज़मीन है जो कि उनको अलॉट की गई है लेकिन अभी देखे काबजीन है। तो आप सबसे अपील है वज़ीर आला से भी एक बार फिर और लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से भी और रेवेन्यू के आला हुकाम से भी कि खुदारा इस बंदे की जो है ज़मीन को वार गुजार कराया जाए ताकि जो है ये बंदा जो है गुरबत के अंदर से निकले और जो इनका हक है इनको जो है मिल सके। शुक्रिया।